एडवोकेट मान खान साहब जी स्टेट सेक्रेटरी, जगदेव चौधरी साहब जी स्टेट सेक्रेटरी, शनिंग गणेश साहब, आदम साहब, हमीद मना साहब, नजीर मोहम्मद साहब, परवेज अली बबा साहब, एडवोकेट मुख्तार शेख साहब, खालिद साहब, नजीर कुरैशी साहब, शिराज अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट हमारे जो यहाँ यूथ प्रेसिडेंट है, रोमान मना साहब, शुजात काजमी साहब, और हमारे जो यहाँ कोऑर्डिनेटर है चौधरी इसके मीडिया के, हाँ चौधरी साहब। पहले तो इसने बिल्कुल गलत किया, ये तो हमारी पार्टी में इंडिसिप्लिन है जो आज आपने किया, ये सही नहीं है। मैंने सोचा कि आप कुछ लड़बड़ते रहेंगे तो आपसे मिलकर कमरे में बात करेंगे, सुनेंगे, आपसे पूछेंगे हालात के बारे में, ये जो डिलिमिटेशन हो गया तो एक इंट्रैक्शन होगा, तो पर इन्होंने कुछ और कर दिया, ये आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंडिसिप्लिन है। कि आपने भी कहते हैं रास्ते में भी लोग हैं, अब वो वापस जाएंगे बेचारे जब हम पहुंचेंगे, तो इस तरह से नहीं करते हैं प्रोग्राम, मीटिंग इस तरह से नहीं होती है। लेकिन ये बात नहीं कही हमने, हमने कहा पीएजीडी चाहे वो किस हिसाब से लड़ती है, अलायंस में लड़ती है, अकेले लड़ती है, मगर जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको देखते हुए, जम्मू कश्मीर की जो तशख्खुस है इसको बचाने के लिए, और जो इनका जो बीजेपी का एक प्लान है, जो वो अफरा तफरी कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में उन्होंने पूरा सारा उथल पुथल कर दी, वो चाहते हैं असेंबली में ऐसे लोग आए जिनसे वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने नाजायज़ फैसला किया है उसको वो जायज़ ठहराए। तो इस वक्त चूँकि पीएजीडी एक वाहिद अलायंस है जो इनका मुकाबला कर रही है, जो इनके 5 अगस्त के फैसले के ख़िलाफ़ बात करती है, तो वक्त आएगा, ये खाली वोट की सपोर्ट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जनरली लोगों को चाहिए कि पीएजीडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे, जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएजीडी को सपोर्ट करे, ताकि हम और भी ज़रा ताकत से जो बीजेपी का की जो प्लानिंग है उसको नाकाम बना सके। कि इलेक्शन तो लड़ना है क्योंकि हम इनको तो खुला मैदान दे नहीं सकते, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनकी एक साजिश है जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट के नाम पे, ए टीम के नाम पे, बी टीम के नाम पे, बीजेपी के नाम पे ऐसे लोगों को असेंबली में लाए, जो कल जो इन्होंने एक नाजायज़ फैसला किया 370 को लेकर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको ये लोग जायज़ करार देंगे असेंबली के ज़रिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस बहुत कमज़ोर हो जाता है। हालांकि अगर ये उसको असेंबली में करेंगे वो भी नाजायज़ है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जितनी भी ताकतें हैं जो हमारे तशख्खुस को, जिसको ऑलरेडी इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, आने वाले वक्त में और ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, हमने ऐसे ताकतों का डट के मुकाबला करना है, और उसके लिए जब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन लड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।